चले नमस्कार, मैं अजय पोरवाल। मैं 3 सितंबर को कोविड पॉजिटिव आया था और 1 तारीख को मेरे को बुखार आया, 2 तारीख को मैंने जांच कराई और 3 तारीख को मैं पॉजिटिव आया। मैंने उदयपुर के डॉक्टर से पूछा, उन्होंने होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा था मेरे को और 5 दिन का दवाइयों का कोर्स भी दिया था। उन दवाइयों को 5 दिन लेने के बाद मेरे को 8 तारीख दिन को बुखार आ गया। 9 तारीख को मैंने अमेरिकन हॉस्पिटल बताया, उन्होंने 2-3 दवाई दी और उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। पर 10 तारीख को मेरे को अमेरिका वापस बुखार बहुत तेज आया और अमेरिकन हॉस्पिटल भटजी की बाड़ी में मेरे को भर्ती किया गया। 13 तारीख तक मैं वहाँ भर्ती रहा और 13 तारीख को मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज किया और मेरा बुखार उतर गया था। जिस दिन जिस समय मेरे को घर पे डिस्चार्ज होकर घर पे आया और मैं मकान की सीढ़ी चढ़ा तो मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। 14 तारीख को सवेरे वापस मैं हॉस्पिटल अमेरिकन हॉस्पिटल भर्ती हुआ, परंतु मेरा जो एक्सरे किया गया उसमें लंग्स में इन्फेक्शन आया था। उस इन्फेक्शन से मेरा ऑक्सीजन चढ़ाया, परंतु दिन भर में कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो मेरे जो साथी डॉक्टर थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने अहमदाबाद जाने के लिए बोला और मेरे को अमेरिकन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया था कि 50-50% चांस है मेरे परिजनों को। फिर हम अहमदाबाद के लिए गए, वहाँ पे मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती रहा, बाईपेक दिया, उन्होंने 7-8 दिन मेरा इलाज किया और आज मैं कोविड का इलाज करने के बाद आपके सामने तैयार हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, मैं हमारी एक संस्था है प्रेरणा किचन करके, हमने 4-5 महीने तक हमने वहाँ पर खाना खिलाया, विधवा महिलाओं को किट बांटा, वृद्धजनों को हमने दिया, परंतु वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। पर ये जो कोविड है, इसके लिए मैं एक आपसे निवेदन करूँ, जैसे ही आपके पास थोड़ा सा भी आपके शरीर में ऐसा लगे कि इन्फेक्शन हो रहा है या बुखार आ रहा है या खांसी हो रही है, आपको तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। क्योंकि मैं अहमदाबाद में था, मैंने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने कहा कि ये कोरोना जो बीमारी है ये सीधे सीधे चलती है, आप होम क्वारंटाइन है सीधे चलती है, पर ये कहीं भी जा सकती है, चाहे आपके लंग्स में जावे चाहे दूसरी जगह जावे, ये एक बार यू टर्न जरूर मारती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी उदयपुर के अंदर पिछले 13-14 दिन से रोज 100 पेशेंट रोज आ रहे हैं, जैसे ही आप होए, पर एक बार आप जैसे ही पॉजिटिव आवे आप अपने डॉक्टर से जरूर बतावे, डॉक्टर से इलाज जरूर ले और सरकारी हॉस्पिटल में जाने की, जो मैंने गलती की मैं नहीं गया, आप जरूर जावे वहाँ पे चेक जरूर करावे और अगर सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। ये जो बीमारी है, दूसरा जो स्वस्थ आदमी है उससे भी मेरा निवेदन है कि मास्क लगा के रखें, लोगों से दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का बराबर उपयोग करें और जो 50 और 55 साल के बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन है कि कोई काम नहीं हो तो बाजार में नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। धन्यवाद।